मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। जब हरिवंश राय बच्चन ने ये लाइन लिखी होगी तो सोचा नहीं होगा कि कोरोना काल में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मंदिर और मस्जिद बंद रहेंगे लेकिन शराब की दुकानें खुल जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान देश शराब के लिए अब कतार में खड़ा है। लॉकडाउन को लेकर कई नियम अभी भी जारी है लेकिन हर जोन में शराब की बिक्री की परमिशन दे दी गई, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। देश ने बता दिया कि अनुशासन क्या चीज है। आपको अनुशासन देखना है, शराब की दुकानों के बाहर देखें। हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सुबह 5 बजे से लोग लाइनों में खड़े। ये इंतजार उस तलब का है जो तकरीबन 40 दिनों के बाद बुझने वाली है। ये इंतजार उस प्यास की है जिसे सिर्फ शराब ही बुझा सकती। कहते हैं कि नशा हर गम भुला देता है। तभी तो शराब की दुकानों के खुलने की मुनादी क्या हुई, हर कोई लॉकडाउन के इस गम को भुलाने निकल पड़ा। आपको बेंगलुरु की ये तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे दुकान को खोलने से पहले नारियल तोड़कर पूजा की गई, फिर लोग कतार में लगकर काउंटर तक आए। वही एक और तस्वीर देखिए, सुबह से लोग जब लाइनों में लग गए, थकने लगे तो चप्पलें उतारी, उसी कतार में लगाया और खुद इंतजार करने लगे अपनी बारी का। भारत के हर हिस्से से ऐसी तस्वीर सामने आ रही जिसमें लोग कतार में खड़े दिखे। कभी शराब के लिए झगड़ने वाले लोग आज शराब के लिए पूरे नियमों का पालन करते हुए खड़े हैं। ये नया भारत है जहां सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन अगर आप करने लगे तो आपके लिए सारी दुकानें खुद खुल जाएंगी।